अगर आप संगम नगरी प्रयागराज कभी नहीं आए हैं तो अब ज़रूर आइए, क्योंकि कुंभ 2019 की भव्यता के बीच ऐसे दिव्य आत्माओं को साकार रूप में देखने को मिलेगा, जिनको देखने के लिए शायद फिर वर्षों इंतजार करना पड़े। आपने साधु संन्यासी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जिस दिव्य आत्मा से हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनकी बात थोड़ी अलग है। अलग इसलिए क्योंकि पिछले 9 सालों से ये दिव्य आत्मा अपना एक हाथ ऊपर करके साधना में लीन है, और इस साधना की एकमात्र वजह है विश्व शांति। यह साधना, ये दिव्य आत्मा उन तमाम राजनीति के ठेकेदारों के मुंह पर तमाचा है जो जाति और मजहब के नाम पर देश को भिड़ाने में लगे हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं न्यूज एंड व्यूज की टीम के रिपोर्टर श्रवण शर्मा से हुई ये मुलाकात। नमस्कार, न्यूज एंड व्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्रवण शर्मा, आज हम मौजूद हैं प्रयागराज के जूना अखाड़े के सामने, जहां पर हम आपको एक ऐसे बाबा की तस्वीर दिखाएंगे, एक ऐसे बाबा से मिलवाएंगे जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जो 12 सालों से विश्व शांति के लिए अपने एक हाथ को खड़ा रखे हैं। तो जल्दी हम आपको जो है उनके पास ले चल रहे हैं, और जो है श्रद्धालुओं का जमावड़ा जूना अखाड़े के पास आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में बाबा का ये रूप जो है बेहद चर्चा में है, श्रद्धालु से लेकर के जो है दूर दूर से लोग जो भी मेला में आ रहे हैं वो जूना अखाड़ा आना चाहते हैं और बाबा के इस रूप को देखना चाहते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे का इनका संघर्ष क्या है। तो गुरु जी ये बताइए, बाबा जो है कब से इस स्थिति में हैं और इस समय इनकी कितनी उम्र है और कितने साल पहले जो है इन्होंने ये रूप धारण किया? महाराज की तपस्या सन 2011 से चल रही है और विश्व शांति विश्व कल्याण हेतु जन कल्याण हेतु बाबा जी की तपस्या। तो तपस्या का कोई कारण? हाँ, जन कल्याणार्थ विश्व कल्याणार्थ के लिए। क्या आजीवन ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी? हाँ, अभी तो महाराज की, ये तो गुरु महाराज की इच्छा के ऊपर है जब तक। अच्छा, पिछले जो है कितने सालों से? 12 साल तक की ये तपस्या है गुरु जी की, अभी 9 साल हो गए। तो यहाँ प्रयागराज में कितनी बार आ चुके हैं बाबा? प्रयागराज में कई, हर कुंभ में आते हैं महाराज जी, हर, हाँ, 5-6 कुंभ में बाबा जी इलाहाबाद। तो ये जो स्थिति है इसको कोई नाम दिया गया? हठ योग, तमाम तरीके के योग होते हैं, ये ऊर्ध्वबाहु तपस्या है। हाँ, ये तपस्या क्या इतिहास या पुराणों में कहीं दर्ज है, किसी ने की थी कभी? हाँ है ना, बड़े पुराने ऋषि मुनियों से जब से आदि अनादि काल से चली आ रही है तपस्या, गुरु लोग करते आ रहे हैं, आज की नहीं। कोई खड़ी तपस्या, कोई जल में, कोई हाथ ऊंचा करके। जो बाबा की जो दैनिक क्रिया है जैसे पूजा पाठ और भी चीज़ें दिनचर्या में जो चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे करते हैं? वो सब बाबा जी अपने एक ही हाथ से है, उनका सब कार्य जितना भी है। बाबा के साथ कोई उनका शिष्य तो होगा जो उनकी देखरेख या फिर सेवा करता होगा? तो आपका शुभ नाम? हमारा कोतवाल बसंतपुरी। तो लगभग कितने दिन हो गए यहाँ पर जो है, जब से मेला लगा है तब से आप लोग यहाँ पर हैं? सवा महीना। तो अभी पूरे अर्धकुंभ भर जो है यहीं पर आप सब रहेंगे, तो उज्जैन भी जाते होंगे? जी हाँ, उज्जैन में, उज्जैन के पास में ही आश्रम है गुरु जी का। आश्रम किस जगह है, क्या नाम है? आश्रम उज्जैन में, आगर मालवा जिला, उज्जैन से कोटा रोड में आमला गांव है, आश्रम है आनंदेश्वर महादेव, वहाँ बाबा जी का आश्रम, वहीं विराजते हैं।